मस्तानी एक हिंदू महाराजा महाराजा छत्रसाल बुंदेला की बेटी थी। उनकी माँ रूहानी बाई हैदराबाद के निजाम के राज दरबार में नृत्यांगना थी। महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड में पन्ना राज्य की स्थापना की थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मस्तानी को महाराजा छत्रसाल ने गोद लिया था। मस्तानी की परवरिश मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर मऊ साहनिया में हुई थी। इस जगह पर मस्तानी के नाम पर एक मस्तानी महल भी बना हुआ है। मस्तानी इसी महल में रहती थी और डांस करती थी। मस्तानी को राजनीति, युद्ध कला, तलवारबाजी और घर के कामों का पूरा प्रशिक्षण मिला हुआ था। मस्तानी के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही खूबसूरत थी। उन्हें अपनी माँ की तरह ही नृत्य में कुशलता हासिल थी। कहते हैं कि मस्तानी ने बाजीराव की मृत्यु के बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी अंगूठी में मौजूद जहर को पी लिया था, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि वह बाजीराव की चिता में कूदकर सती हो गई थी। मस्तानी की मौत सन 1740 में बताई जाती है। मस्तानी अपने समय की अद्वितीय सुंदरी एवं संगीत कला में प्रवीण थी। उन्होंने घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी शिक्षा प्राप्त की थी। गुजरात के नायब सूबेदार सुजात खान और मस्तानी की प्रथम भेंट 1724 के लगभग हुई। चिमाजी अप्पा ने उसी वर्ष सुजात खान पर आक्रमण किया। युद्ध क्षेत्र में सुजात खान की मृत्यु हो गई। लूटी हुई सामग्री के साथ मस्तानी भी चिमाजी अप्पा को प्राप्त हुई। चिमाजी अप्पा ने उन्हें बाजीराव के पास पहुंचा दिया। उसके बाद मस्तानी और बाजीराव एक दूसरे के लिए ही जीवित रहे। 1727 में प्रयाग के सूबेदार मोहम्मद खान वंशज ने राजा छत्रसाल पर चढ़ाई की। राजा छत्रसाल ने तुरंत ही पेशवा बाजीराव से सहायता मांगी। बाजीराव अपनी सेना सहित बुंदेलखंड की ओर बढ़े। मस्तानी भी बाजीराव के साथ गई। मराठे और मुगल दो वर्षों तक युद्ध करते रहे। उसके बाद बाजीराव जीत गए। छत्रसाल अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने मस्तानी को अपनी पुत्री के समान माना था। बाजीराव ने जहां मस्तानी के रहने का प्रबंध किया उसे मस्तानी महल और मस्तानी दरवाजा का नाम दिया गया। मस्तानी ने पेशवा के हृदय में एक विशेष स्थान बना लिया था। उसने अपने जीवन में हिंदू स्त्रियों के रीति रिवाजों को अपना लिया था। बाजीराव से संबंध के कारण मस्तानी को भी अनेक दुख झेलने पड़े, पर बाजीराव के प्रति उनका प्रेम अटूट था। मस्तानी को 1734 में एक पुत्र हुआ जिसका नाम शमशेर बहादुर रखा गया। बाजीराव ने कालपी और बांदा की सूबेदारी उसे दी। शमशेर बहादुर ने पेशवा परिवार की बड़े लगन और परिश्रम से सेवा की। 1761 में शमशेर बहादुर मराठा की ओर से लड़ते हुए पानीपत के मैदान में मारे गए। पुणे से 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव पाबल, यहां की सड़कों से गुजरते हुए गांव के एक कोने पर लगभग खंडर नुमा इस इमारत का दरवाजा खुलता है तो सामने नजर आती है एक कब्र। यकीन करना मुश्किल है कि इस कब्र के नीचे वो सो रही है जिसकी जिंदगी की किताब में हिंदुस्तान के इतिहास का सुनहरा पन्ना है। इतिहास का ये पन्ना भुला दिया गया है, लेकिन इस कब्र की पनाह में खिली चमेली की बेल इतिहास के एक अमर प्रेम कहानी की खुशबू आज भी फिजाओं में घोलती है। ये अमर प्रेम था मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव और मस्तानी के इश्क का। बाजीराव मस्तानी, ये नाम चर्चा में है और चर्चा में इस नाम से रिलीज होने वाली संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी भी है। लेकिन वास्तव में ये नाम हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास के उस कालखंड का है जब शिवाजी महाराज के पराक्रम से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य का विजय पताका दिल्ली की दहलीज तक लहराने लगा था। मराठों का ध्वज दिल्ली तक पहुंचने वाला वीर वो था जो हिंदुस्तान का नेपोलियन कहा जाता था, जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था, और वो था बाजीराव पेशवा। अपने जीवन में कभी कोई युद्ध न हारने वाले बाजीराव पेशवा की वीरता की कहानी पुणे में शान से खड़ा ये शनिवाड़ा भी सुनाता है जहाँ वो अपनी रानियों के साथ रहा करते थे। इसकी दीवारें जितनी ऊंची हैं उतनी ही गहराई लिए हुए है मस्तानी से बाजीराव के इश्क की दास्तां। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मस्तानी हैदराबाद के निजाम की बेटी थी। महाराजा छत्रसाल ने निजाम को सन 1668 में एक युद्ध में हरा दिया था। हार के बाद निजाम की पत्नी ने मस्तानी की शादी छत्रसाल के साथ करने की सलाह दी थी। उनका मकसद था कि शादी में बुंदेलों के साथ निजामों के रिश्ते अच्छे हो सकेंगे। इन रिश्तों की वजह से वह मध्य भारत पर अपना प्रभाव बढ़ा सकेंगे। एक और कहानी के मुताबिक मस्तानी छत्रसाल के दरबार में डांस करती थी। जब बाजीराव पेशवा ने उनका साम्राज्य बचाया तो दोस्ती के तौर पर मस्तानी को उन्होंने स्वीकार किया। हालांकि लोग
सिर्फ इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि मस्तानी महाराजा छत्रसाल की बेटी थी। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैग करें ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें।